हेलो दोस्तों, आप लोग का यस्टरडे में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का मांग आ रहा था सर किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें, आप लोग का लेकर आया हूं यहां पर साइंस का। साइंस वन हो साइंस टू हो दोनों का टाइम मैनेजमेंट सेम होता है। आप लोग को बस क्या करना रहेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप लोग का कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ तो बस इस वीडियो को देखो, और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी चीज आप लोग कमेंट करके उस चीज पर हम लोग टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले। बट यहां पर आज जो मैं बताने वाला हूं आप लोग के लिए, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका टाइम जो होता है वहां पर बहुत कम बचता है, प्लस बहुत सारे लोग का पेपर छूट जाता है, क्वेश्चन लिख नहीं पाते, आंसर भी नहीं लिख पाते। तो अब यहां पर किस तरीके से उसमें से बहुत सारा टाइम बचा किस तरीके से सकते हैं, बहुत इजी है। ध्यान से सुना, जिस तरीके से टाइम मैनेजमेंट मैं बता रहा हूं उस तरीके से ऑल सब्जेक्ट का मैं बताने वाला, पूरे सब्जेक्ट का। तो मैं आज यहां पर लेकर आया हूं साइंस बेस्ड टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, क्लास 10। ध्यान से सुना, अब यहां पर आप लोग के पास समय पूरा टोटल रहता है, ध्यान से सुना है, 120 मिनट आप लोग के पास पूरा पूरा टोटल टाइमिंग है। अब यहाँ टाइमिंग होने के बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे, पूरा लिखा हूं बट इसको समझना है क्या चीज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो देखोगे तभी समझेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को बुक मिल जाता है, यहाँ पर आप लोग को पूरा पूरा अच्छी तरीके से क्या करना है, उसको एक्टिविटी जो बेसिस है उसको अच्छी तरीके से क्या करना, पढ़ना है, सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है। ध्यान से सुनना, पूरा पूरा जो भी चीज दिया गया उसको 5 मिनट क्या करो, अच्छे से पढ़ो, रीड करो पूरा पूरा 5 मिनट। उसके बाद कहां पर आओगे, क्वेश्चन नंबर पहले पर, क्वेश्चन पहले में ए और बी करके रहेगा। ध्यान से सुना, साइंस वन हो साइंस टू दोनों का बात करो, यहां पर 5-5 है। यहां पे देखो क्वेश्चन पहले का ए एंड बी रहेगा, आप लोग सिंपल तरीका, और इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, छोटे छोटे नंबर के लिए रहेंगे, 5-5 नंबर का 5-5 क्वेश्चन रहेगा। इजिली आप लोग को इसमें कितना मिनट आप लोग को देना है, 20 मिनट। ध्यान से सुना, आप लोग को यहाँ पर 20 मिनट, एक क्वेश्चन के पीछे कितना मिनट दे रहे हो, 2 मिनट दे रहे हो। ध्यान से सुना, ए वाले में 5 क्वेश्चन रहेगा और बी वाले में भी 5 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, और इसके लिए आपको कितना देना है, 20 मिनट यहाँ पर समय पूरा टोटल देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा जो रहेगा उसमें 5 क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, 5 क्वेश्चन आप लोग को करना रहेगा, 5 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर कंफर्म है करना रहेगा, कंपलसरी है। 5 क्वेश्चन सिंपल सा करोगे, 2 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन रहेंगे इच, मतलब प्रत्येक के लिए 2-2 नंबर रहेंगे। अब उसके लिए आप लोग एक क्वेश्चन के पीछे 5 मिनट देते हो, एक क्वेश्चन के पीछे अगर 5 मिनट देते हो तो 5 क्वेश्चन करना है, तो ये 5 से 25 मिनट आप लोग इजिली इसको 5-5 मिनट में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। ध्यान से समझ गया। अब उसके बाद यहां पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5, देखो यहां पर भी 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल तरीका आप लोग का 3 नंबर एक क्वेश्चन के पीछे है यहाँ पर, बट ये चीज थोड़ा बड़ा है, इसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन के पीछे कितना मिनट ले लो, 8 मिनट ले लो। ध्यान से सुना, 8 मिनट एक क्वेश्चन के पीछे अगर ले रहे हो तो 8×5=40 मिनट यहाँ पर टोटल आप लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए निकाल रहे हो, 5 क्वेश्चन के लिए, याद हो गया। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो चीज एक क्वेश्चन करना आप लोग को रहेगा और एक 5 नंबर के लिए रहेगा, इसके लिए आप लोगों को सिंपल तरीका यहाँ पर 15 मिनट में आप लोग लास्ट वाला क्वेश्चन करो। अगर इसको ऐड करते, देखो यहां पर अगर आप लोग ऐड करते पूरा टोटल 5 मिनट 20 मिनट क्वेश्चन, पहले आप लोग यहां पर पढ़ोगे सीट लेकर तो 5 मिनट हो गया, फिर पहले क्वेश्चन के लिए 20 मिनट, दूसरे क्वेश्चन के लिए आप लोग 25 मिनट, तीसरे क्वेश्चन के लिए 40 मिनट और चौथे वाले क्वेश्चन के लिए 15 मिनट। अगर ये सब पूरा राउंड अप पूरा अच्छी तरीके से ऐड करते हो तो 105 मिनट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 105 मिनट टोटल यहां पर हो गया। अब भी 120 में से अगर यहां पर आप लोग माइनस कर रहे हो 105 में, सिंपल तरीका, तो भी आप लोग को यहां पर लास्ट में 15 मिनट, लास्ट में अभी भी 15 मिनट आप लोग को बचा हुआ है। 15 मिनट में आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान से सुना, 15 मिनट लास्ट आप लोग को बचा हुआ, अगर इस टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों के पास 15 मिनट टोटल अभी बाकी है। अब 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट में क्या करोगे, सिंपल वे में उसको जो लिखे हो ना उसको एक बार देख डालो, पूरा अच्छी तरीके से देख डालो। अब यहां पर होता है सर 120 मिनट मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, 15 मिनट बाकी था उसमें हम लोग कर ली। अभी भी एक बोनस पॉइंट है, ध्यान से सुना, आप लोग को बोर्ड एग्जाम वाला 10 मिनट एक्स्ट्रा समय दे रहा है, 10 मिनट क्या दे रहा है आप लोग को, यहां पर भी 10 मिनट लास्ट में एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है 10 मिनट।
अब यहां पर 140, देखो 140 मिनट हो गया, 10 मिनट और एक्स्ट्रा हो गया। सोचो आपके पास कितना हो गया, 10 20 25 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बच गया। तो देख रहे इसी तरीके से आप लोग को हर सब्जेक्ट का साइंस के यहां पर बता दिया किस तरीके टाइम मैनेजमेंट करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में इतना शेयर करो सबको मालूम पड़ जाना चाहिए किस तरीके से साइंस 1 हो या 2 हो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और इसके बाद आप लोग को कौन से सब्जेक्ट का टाइम मैनेजमेंट के लिए वीडियो चाहिए वो कमेंट जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।